साले में क्या होता है कि कलर तो थोड़ा एक्स्ट्रा लग जाता है लेकिन इसका कलर नहीं उड़ता। एक ब्रश दे दो, कोई ब्रश दे दो। देखो हमने कलर मिक्स कैसे करेंगे इसको, तो थोड़ा थोड़ा कलर मिक्स करना है, और जब ना बिल्कुल फ्रेश में कभी कलर मिक्स मत करना, तो क्या होगा, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा बह जाएगी, जिसे बोलते हैं ना बह गया आटा, उस तरह से हो जाएगा ये। या तो अगर आपको बीड सी बनानी है तो उसमें थोड़ा पाउडर एक्स्ट्रा मिक्स कर लो तो जल्दी ड्राई हो जाएगी, नहीं तो थोड़ा खुला छोड़ दो, जब थोड़ा टाइट हो जाए जब भी हमको उसमें कलर मिक्स करना है। कितनी देर छोड़ना है? बस आप छू के देख लेना, सर्दियों में तो बहुत देर में ड्राई होती है, विंटर्स में अगर वर्क करो ना मैम इसके साथ तो टाइम कम ज़्यादा वो देर में ड्राई होता है, उससे भी फैन चल रहा है तो जल्दी ड्राई हो जाती है। मैम कोई भी कलर मिक्स हो जाएगा ना? कोई भी, ब्लैक वाला तो कम लगेगा क्योंकि ब्लैक तो एकदम से किरण पेपर दे दो मैम, लाइट भी हो जाएगा ब्लैक कोई ये कलर, तो जहाँ तक हाँ हो जाएगा बस थोड़ा ज़्यादा लगेगा, वही मिक्स करने के लिए ना इसको इसी तरह से करो तो जल्दी मिक्स हो जाता है। इससे आप ज्वेलरी भी बना सकते हो कलर मिक्स करके ना। मैम मुझे लगा था कि बाद में ऊपर से कलर किया हुआ है, बाद में वाले में नहीं किया, जो मैंने आपको भी दिखाया ना उसमें नहीं किया, बाद में पता चला ऊपर से भी हो जाता है, इतनी छोटी होती है ना कलर करना बहुत मुश्किल हो जाता है उसमें, इसलिए बीच के लिए वाले टेक्निक आसान है, पहले मिक्स कर दो, पहले मिक्स कर लो, बाद में एक को पकड़ के कैसे करोगे, घर से पकड़ोगे घर से वो हाथ में लगता रहेगा कलर आपके, है ना। और मैम इसमें होल कैसे होगा? होल बता रही हूँ, निडल दी किसी ने मुझको, मैम एक मोटी सी निडल काट लोगे ना।